हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर्स इन्फो डॉट इन। स्वागत करती हूँ आपका करियर इन्फो में। यहाँ पर रिक्रूटमेंट आई हुई है रिलायंस स्कूल से और काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है। और ये जो रिक्रूटमेंट है, अच्छी बात ये है कि इस रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जो है आपको डायरेक्टली वेबसाइट पर ही प्रोवाइड हो जाएगी। तो सीधे जाकर हम जो है इसकी वेबसाइट पर ही विजिट करके देखेंगे कि किस तरीके से इसकी रिक्रूटमेंट आई हुई है, कि कौन कौन सी पोस्ट है। और इसके पहले यदि आप चैनल से अभी अभी कनेक्ट हुए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दीजिए। इसके अलावा हमारी करियर इन्फो डॉट इन से वेबसाइट भी है, आप वहाँ पर विज़िट कर जो अदर जो फील्ड की जॉब्स होती हैं वो अपडेट होती हैं, एवरीडे अपडेट होती हैं, आप वहाँ पर जाकर भी विज़िट करके देख सकते हैं। और यूट्यूब पे जो चैनल है इस पर मैं टीचिंग से रिलेटेड ही जो जॉब्स आती हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट उसे ही अपडेट करती हूँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और एक बार विज़िट करिए हमारी वेबसाइट पर। तो चलिए शुरू करते हैं, रिक्रूटमेंट कहाँ से आई हुई है सारा कुछ डिटेल में देखेंगे। हाँ जी, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे वेबसाइट पे ही आ गई हूँ। ये रिलायंस फाउंडेशन स्कूल्स की रिक्रूटमेंट है। इसके पहले भी मैंने रिलायंस फाउंडेशन की जो रिक्रूटमेंट आई हुई है उसे अपडेट किया है। अभी मैंने इसके पहले एक जॉब अपडेट की हुई है, उसे भी आप जाकर देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी जॉब है, वो भी प्राइवेट स्कूल्स की ही हैं, तो DPS की है, उसे आप जाकर चेक कर सकते हैं। बहुत सारी पोस्ट उसमें भी अवेलेबल हैं और सैलरी पैकेज भी काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा सरस्वती शिशु मंदिर से जो रिक्रूटमेंट आई हुई है उसे भी मैंने अपडेट किया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। वो काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है और जो लोग भी टीचिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो उसमें ज़रूर एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर रिलायंस फाउंडेशन की जो रिक्रूटमेंट आई हुई है इस वेबसाइट पर, सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको कि आप वेबसाइट पर पहुँचेंगे कैसे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे rfs.edu.in। जब आप इसे टाइप करेंगे तो आपको इस तरीके का सरफेस ओपन होकर आएगा। देन यहाँ पर जो ब्लू कलर का ये बॉक्स बना हुआ है इसे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको ये करियर का ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिख रहा है। तो इसे आप जब क्लिक करेंगे तो आपको ओपन होकर आएगा। और यहाँ पर देखिए, तुरंत ही यहाँ पर देखिए टू अप्लाई फॉर स्टाफ पोजिशन प्लीज़, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिंक भी प्रोवाइड की हुई है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये इसकी जो रिक्रूटमेंट आई हुई है वो यहाँ पर है। तो ये देखिए, रिलायंस फाउंडेशन स्कूल लर्न इमेजिन एंड एक्सेल, यहाँ पे लोधी वाली राइज्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल है। इनवाइट्स एप्लीकेशंस, द स्कूल इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट फ्रॉम रिप्यूटेबल इंग्लिश मीडियम स्कूल्स फॉर द फॉलोइंग पोजीशन। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स के लिए है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश कंप्यूटर साइंस एंड हिंदी के लिए है, प्राइमरी टीचर्स के लिए यहाँ पर इंग्लिश सोशल स्टडीज़ एंड हिंदी की रिक्रूटमेंट है। इसके अलावा यहाँ पे प्री प्राइमरी टीचर्स की भी रिक्रूटमेंट है। और कैंडिडेट्स मस्ट बी प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड कंप्यूटर्स, प्लीज़ अप्लाई ऑनलाइन एट, ये आपको वेबसाइट यहाँ पर पूरा एड्रेस दिया हुआ है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा आप ईमेल के थ्रू भी अपना रिज्यूम सेंड करके अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप वेबसाइट पर विजिट करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये इसकी मेल आईडी दी हुई है, यहाँ पर आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये पूरा एड्रेस आपको लिखा हुआ है जो कि तालुका खालापुर डिस्ट्रिक्ट रेट महाराष्ट्र की रिक्रूटमेंट है। और आई डोंट नो इसे क्या रीड करेंगे, बट ये महाराष्ट्र की रिक्रूटमेंट है और ये इसकी वेबसाइट पूरी दी हुई है। अब हम यहाँ पर एक बार इस वाले जो यहाँ पर लिंक प्रोवाइड की गई है इसे क्लिक करके देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ है। तो जस्ट मिनट, यस, यहाँ पर ये देखिए फॉर्म आपको फिल करना होगा जिस भी आप पोस्ट के लिए अवेलेबल हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना होगा एंड नेम, सब्जेक्ट, रेसिडेंस, डेट, DOB आपको देना होगा, मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी, ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। इसके अलावा यहाँ पर आपको देखिए फ़ोटो अपलोड करना है और इसके बाद आप यहाँ पर इस तरीके से अलग अलग यहाँ पे देखिए एजुकेशनल डिटेल्स आपको फिल करनी होगी, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, और ऊपर यहाँ पे देखिए आपको CV अपलोड करने का भी ऑप्शन है। तो आपको यहीं पे जैसे ही आप वेबसाइट पे जाकर विज़िट करेंगे वहीं पे आपको फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। तो आप जैसे ही नोटिफिकेशन चेक करने के लिए भी अगर जाते हैं तो आपको विद इन 10 मिनट्स में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको मैं कहूँगी कि आप ज़रूर यहाँ पर अप्लाई करिए यदि आप महाराष्ट्र से हो, क्योंकि इस फाउंडेशन की जो है सैलरी पैकेज काफ़ी अच्छी होती है, 50 40 to 50 इस तरीके
तरीके से जो है क्लास वाइज होती है, PGT PRT एंड TGT के अकॉर्डिंग, तो 30-40-50,000 के अकॉर्डिंग होगी इसकी सैलरी। और यहाँ पर देखिए, इसके अलावा यहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस डिटेल्स दिया है, एड्रेस डिटेल्स एंड करंट सैलरी डिटेल्स अगर है तो आप इसमें ज़रूर फिल करिए, और प्रोफेशनल रेफरेंस। तो मैं तो आपको ये कहूँगी, क्योंकि एक भी रुपये फ़ीस नहीं लग रही है, तो आप इसमें अप्लाई ज़रूर करिए। और अगर आप किसी और भी स्टेट के हैं तो भी आप अप्लाई करिए, एटलीस्ट आपको एज अ नॉलेज आपको हेल्प मिलेगी कि इसके अलावा भी अगर आप जिस भी स्टेट के हो, इस तरीके की रिक्रूटमेंट हर स्टेट में आती रहती है, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करिए। एटलीस्ट फॉर्म भरना आप अच्छे से देख पाओगे किस तरीके से सीखना है, तो आप फ्रिक्वेंटली अप्लाई करना सीखोगे और उसके बाद कॉल आपकी ज़रूर आएगी। ठीक है, तो ये थी पूरी अपडेट। इसके अलावा जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।